सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। पैरों की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती, टूटी कमर और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती, काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता। जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं एहसासों से बनते हैं। आज का पंचांग 1 नवंबर 2019, दिन शुक्रवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, रात्रि 12:51 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र रात्रि 9:53 तक विराजमान रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय 10:33 से 11:40 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय 11:43 से 12:26 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 1 नवंबर 2019, दिन शुक्रवार, नकदी प्रवाह अच्छा रहेगा। स्वराज की विभिन्न धाराएं आपको खुश करेगी और पिछले निवेश आपके लिए अच्छे पुरस्कारों को प्राप्त करेंगी। इस समय आपके लिए वित्तीय मोर्चे पर कोई बड़ी परेशानी की भविष्यवाणी नहीं की है और आप कठिन समय को गुजारने में सक्षम होंगी। जिस तरक्की के लिए आप हमेशा तरस रही हैं उसे पाने के लिए एक काम का मैप तैयार रखें। आज किसी ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें जो आपको डील कर रहा हो और दोस्त की तरह आपके साथ व्यवहार कर रहा हो लेकिन वो आपके साथ कुछ धोखा भी कर सकता है। घर के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए यह समय अच्छा है। परिजनों के आसपास होने से आप नई योजनाएं बना सकते हैं और जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अपने रूप में बदलाव करने जैसे नए हेयर कट के बारे में सोच सकते हैं। आपके ग्रह आज इतनी बातों की ओर इशारा कर रहे हैं कि कड़ी मेहनत करें और फिर जमकर पार्टी करें। आप उदास जीवंत और आनंदपूर्ण हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कदम कितने छोटे हैं, बस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलें। सिंह राशि वालों के लिए सावधानियाँ, आपको बहुत प्रयास करना होगा और समय के साथ चीजें बेहतर हो जाएगी। नए कौशल सीखना जारी रखें और नए लोगों के साथ संपर्क क्षेत्र विस्तार पर ध्यान दें। यदि आप पैदा करने वाले लोगों के साथ तालमेल बिठा सकते हैं तो आप काम पूरा करवा सकते हैं और वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो अपने व्यक्तित्व और बनावट में बदलाव करके आप उसका दिल जीत सकते हैं जिसके लिए आप पागल हैं। साथी के परिवार की तरफ से कुछ परेशानियां आ सकती है किंतु आप अपनी समझदारी से सब कुछ सही कर देंगे। साथ में घूमना शॉपिंग करना आपके रिश्ते में नई जान डाल सकता है। आज का आपका दिन इत्र की तरह महकने वाला है क्योंकि आज आप अपने साथी के साथ एक कभी न भूलने वाली शाम गुजारेंगी। करियर की बात करें तो किसी नए कार्य या स्वरोजगार की शुरुआत करने के लिए आज का समय बेहतरीन है। अपने शक्ति और कमजोरी को जाने व आने वाली बाधाओं का डटकर सामना करें। याद रखें दुर्भाग्य और असफलता भी जीवन का एक हिस्सा है जो आपको कोई सीख अवश्य देते हैं। आज जरा सोचें कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं या जीवन के मजे ले रहे हैं। आप उदार जीवंत व
प्रसन्न हैं और आपके जीवन में अब कुछ बड़ा होगा। आप भावुक महसूस कर रहे हैं और अपने प्यार भरी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। सेहत की बात करें तो नकारात्मकता आप में कूट कूट कर भरी पड़ी है। मस्तिष्क को नकारात्मकता से खाली करो, वरना आप सबकी उपेक्षित हो जाओगी। आज का टिप्स, आप दान में सफेद रंग की मिठाई दूध चीनी का दान कर सकते हैं। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।